या पति से, माँ बाप से, भाई बहनों का आपस में होता है और अहंकार। तो ये जो पांच प्रकार है ये भी देहमान से पैदा होते हैं, ये देहमान की नेचर है। जैसे आप अपने आप को देह समझते हो तो ये पांच प्रकार अपने आप को खत्म हो जाते हैं, ये भी हमारे दिल में रहते हैं। ये जो है ईमान की आदतें, ये आप अपने आप चेक कर सकते हो। अगर आपके अंदर आलस से आता है, अपने तरह उठने में आलस आता है, तो आपके अंदर अभी भी नहीं बनाते बॉडी। अगर आपको अल्लाह पता है तो नहीं भूल याद करते सो लेते हैं, जब आदमी सेंटर में क्या कर रहा है, आज थोड़ा देर आधा घंटा और सो ले लें, बाद में फिर पता कर लें, ये भी देवान की निशान है। अगर आपको दूसरों में दोष दिखाई देते हैं, ये देवान की निशान है। दूसरों से बदलने की भावना पैदा होती है, ये देवान की निशानी है। अगर आपको दूसरों में शक पैदा होता है, देवान की निशानी है। अपना चार्ट चेक करते हैं भी, हमको भी चेक कर सकते हैं, ये अगर आपके अंदर 10 निशानियां हैं देवान की, ये आदत है देवान। चिंता होती है मन में तो इसका मतलब देवान है, डर लगता है इसका मतलब देवान है, दिल में देवान है, हमारी कॉन्शियसनेस में देवान है, हमारे संसार में देवान है। अगर हमें जल्दीबाजी होती, प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, जैसे लोगों ऐसे काम होना चाहिए, ये भी देवान की निशानी है। नहीं मैं ऐसे करना, ऐसे ही काम होना चाहिए, चाहे आप सेंटर में इंचार्ज या टीचर इंचार्ज हैं, घर में रह के पति पत्नी है या घर का सबको संभालते हैं या ऑफिस में जाते हैं, ये काम ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैं कहूँ, ये भी देवान की निशानी। अगर मन में जरा भी किसके प्रति ईर्ष्या द्वेष है, ये भी देवान की निशानी। तो ये अगर आपके दिल में है, देवान देखे संबंध संपर्क का भान, देखे पदार्थों का भान, देखे स्वभाव, देखा स्वभाव दिल में रहता है, देखा संस्कार मन में रहता है, ठीक है। तो जब तक ये दिल में है हमारे, तो क्या होगा, दिल से विवेक बनता है, जो दिल में होता है उससे विवेक बनता है। अब अगर मेरे दिल में देवान है, देखे सम्मान मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा घर, मेरी कार, मेरा ये, मेरा वो, अगर दिल में ये है, काम क्रोध मोह अहंकार है, तो क्या होगा, मेरा विवेक बना क्या होता है, विवेक बना सत्य को परखने की शक्ति, विजडम, इंग्लिश में कहते हैं विजडम, हमारी विजडम कंफ्यूज हो जाती है, हमारा विवेक कंफ्यूज हो जाता है, हम सत्य को परख नहीं सकते, हम राइट को रॉन्ग परखते हैं, रॉन्ग को राइट परखते हैं, गलत बात में गलत बात को ठीक समझते हैं और ठीक बात को गलत समझते हैं। जब विवेक कंफ्यूज हो गया तो हम यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते, जब हम यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते तो हमारा चित्त निर्णय करने से चित्त बनता है, इसे सबकॉन्शियस।